बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, सत्पुरुषों का कथन है कि तृष्णा है डाकिनी कि जीवन का काल और निस्दिन चाहे जीवन करे बेहाल। यदि विचार करके देखा जाए तो मनुष्य के जीवन के दुखों का कारण तथा काल के मुँह में ले जाने वाली केवल मात्र एक तृष्णा ही है। यह एक ऐसी डाकिनी है जो मनुष्य की आत्मिक सुख संपत्ति को छीनकर उसके जीवन को बेहाल कर देती है। यह तृष्णा नृशंस पिशाचिनी है। इसका उदर कभी भरने में नहीं आता। यदि कोई ऐसा विश्वास करता है कि अपनी सब मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहने से तृष्णा शांत हो जाएगी तो यह मिथ्या है, क्योंकि तृष्णा तो स्वप्न की पिपासा की भांति कभी बुझती ही नहीं। मानव की एक कामना अभी पूर्ण होती ही नहीं कि उससे भी प्रबल दो चार अन्य कामनाएं उभर आती हैं। इसी प्रकार करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु आकर गला दबोच लेती है, किंतु कामनाओं की पूर्ति फिर भी नहीं होती। मन की अनेक इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं, और जब मनुष्य इस संसार से विदाई लेता है तो यही विचार करता है कि जीवन की कुछ घड़ियां और होती तो कुछ और इच्छाएं पूर्ण कर लेता। अर्थात गुरुमुखो, हमारे मन में बसी हुई तृष्णा तो जर्जर अथवा जीर्ण नहीं होती, परंतु हम स्वयं ही जीर्ण शीर्ण और जर्जर काय हो जाते हैं। कितना आश्चर्य है कि इधर हम वृद्धावस्था को भी प्राप्त होते जा रहे हैं, परंतु उधर तृष्णा है कि दिनों दिन यौवना हुई जा रही है। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। गुरुमुखो, संत सुंदरदास जी का कथन है कि यह तृष्णा तो डायन के समान है, इसने तीनों लोकों को खा लिया और सातों समुद्रों का पानी भी पी लिया, किंतु इतने से भी इसका उदर नहीं भर पाया। मैंने इसे डायन इसी कारण कहा है कि संसार का भक्षण करते करते इसे कितना ही समय व्यतीत हो गया, किंतु इसकी तृप्ति अभी तक नहीं हो सकी। अब भी यह ज्यों की त्यों भूखी है। प्रभु के भजन और भक्ति से भूला हुआ प्राणी निरंतर तृष्णाग्नि में जलता भूनता और पीड़ित होता रहता है। गुरुमुखो, यह जीवन मालिक की बंदगी किए बिना मेरी मेरी करते व्यतीत होता जा रहा है। जीव व्यर्थ ही मोह ममता में फंसा हुआ है। बाल्यावस्था के दिवस नादानी में बीत गए। युवावस्था में प्रभु की स्मृति बिल्कुल ही विस्मृत हो जाती है।
तथा हृदय में कोई ग्लानी भी नहीं होती कि मैं अपना जन्म व्यर्थ गवा रहा हूँ। जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब पश्चाताप करता है, परंतु गुरुमुखो तालाब सूखने के पश्चात उसके ऊपर बांध बांधने से क्या लाभ। महापुरुष तो संसार के दुखों एवं क्लेशों का अनुमान करके चेतावनी देते हैं कि संसार की कीच में मत फंसो। आशा तृष्णा रूपी अनर्थकारिणी दायन के जबड़ों से स्वयं को मुक्त कराने का प्रयत्न करो। संतों का कथन है कि आशा तृष्णा अथवा लोभ एवं मोह ही समस्त दुखों का मूल कारण है। गुरुमुखो त्रिशालु प्राणी संसार में सदा दुखी ही रहता है। उसके पास चाहे कितनी ही संपदा क्यों ना हो, लोभ वृत्ति से आठों याम उसे दरिद्र दीन बनाए रखती हैं, संसार में फंसाए रखती हैं। अतः गुरुमुखो हमें अपने जीवन को सत्पुरुषों के दिखाए हुए सन्मार्ग पर लगाए रखना है, ताकि हम इस तृष्णा रूपी जंजाल से मुक्ति पा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।